अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। कल आखिरी सवाल क्या किया था? नहीं, वो तो सारे दिन में परसेंटेज की थी, रिड्यूस किया था। ठीक है, और लिखे सवाल। जुम्मे के बाद बस बहुत है। दो हजार तेईस की सेल्स 172500 और 2022 की सेल्स 150,000 आपसे रिक्वायर्ड है कि 2022 में जो सेल्स थी वो कितने परसेंट ग्रो कर गई। ये कल कर लिया था क्या? अच्छा, 2022 में जो सेल्स थी 150,000 वो कितने परसेंट ग्रो कर गई हैं 2023 में? हाँ जी, 15%। अच्छा, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 172500 150 से कितना ज्यादा हो गया? 22,500 ना, इतनी इंक्रीज आ गई। तो 150,000 में ये कितनी इंक्रीज है? 15%। यानी डिफरेंस को इस पे डिवाइड कर दें, ये भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि जो 150,000 थे ये कुछ तो ग्रो किया होगा तो जाके 172500 बना होगा। ये जो मैंने कल नहीं बताया 1 point something, तो ये कुछ तो ग्रो करके यहां तक पहुंचा होगा ना। अब ये निकालना है। क्या बन गया? 1.15। तो वो 1 उसमें से निकाल दे तो 0.15, यानी 15%। 15% ओके। हाँ जी, आप लोग जेरे जमीन मखलूक, ये दूसरे रूम वाले, आपने 15% पे कोई एतराज परेशानी? ऐसे आप माइक है उधर, चले ठीक। और लिखे सवाल। दो हजार तेईस की सेल्स हैं 230,000। अच्छा, कल एक बात बताने की कोशिश की थी कि जिस चीज की परसेंटेज है वो 100 है, यानी अगर सेल प्राइस पे गवर्नमेंट ने कहा है 15% टैक्स लगाने को, तो सेल प्राइस पे 15% मतलब वो 100 है और फिर 15 टैक्स है। यही वजह है कि जब कल पिछली क्लास में जब ये बात हो रही थी कि प्राइस पे डिस्काउंट 8% है, किसका 8%? इसका 8 या 7 था, जो भी था, 7 था। किसका 7% प्राइस का? तो चूंकि इसका 7% था तो फिर ये 100 था और ये 93 था नेट। इसी तरह वो जो इनपुट वाली एक बात बताई थी, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो मटेरियल डला इनपुट और जो इससे प्रोडक्ट बनके बाहर निकला आउटपुट, कल मैंने बताया था कि लॉस 8% ऑफ। अब ये इनपुट का 8% है ना, तो ये 100 है, जिसका परसेंटेज है वो 100 है, और अगर ये 100 है तो फिर ये 92 है, और अगर मैंने कहा होता कि लॉस 8% ऑफ आउटपुट है तो फिर ये 100 होता और वो 92 होता है ना, है ना, वो 108 होता। तो जिसका परसेंटेज है, का की को पर जो भी, जिसका परसेंटेज है वो 100 है। अच्छा, क्या लिखा? 2023 की सेल्स 230,000 है, इट इज 15% हायर देन
लास्ट ईयर सेल्स, यानी पिछले साल की सेल से ये 15% ज्यादा है, तो रिक्वायर्ड है क्या 2 लाख? मैंने तो कहा ही नहीं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, रिक्वायर्ड तो सुन लेना। अच्छा, रिक्वायर्ड 2022 की सेल है, हाँ जी 2 लाख। हाँ जी, क्या किया? 2 लाख। ये नहीं क्या है, इधर वालों में किसी ने नहीं किया ये? नहीं यार, शर्माया नहीं, किसी ने तो किया होगा, किया है ना? हाँ, अच्छा, जिन्होंने ये 0.85 किया है ना, तो वो असल में कर ही रहे हैं कि 230 में से 230 का 15% माइनस कर रहे हैं। अगर वो 230 का 15% कर रहे हैं, यानी ये 100 हुआ, फिर बेशक इतना गहरा सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अब मैं सोचवा रहा हूं, जिन्होंने 230 into 0.85 किया, तो इसका मतलब है वो 230 में से 230 का 15% माइनस कर रहे हैं। तो अगर 230 का 15% ले रहे हैं, मतलब 100 इसको कह रहे हैं ना। ये जो हायर, लोअर, ग्रेटर देन, इस तरह के जब टर्म्स इस्तेमाल हो ना, जैसे अगर ये स्क्रीन मुझसे 10 फुट के गैप पे है, अगर तो मैं दो जुमले बोल रहा हूं, दोनों में फर्क और करिएगा। मैं कह रहा हूं कि मैं स्क्रीन से 10 फुट दूर हूं, और एक जुमला है कि स्क्रीन मुझसे 10 फुट दूर है, तो एक ही बात है। yes, हाँ, बात तो एक है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल फर्क यह है कि 10 फुट गिनने शुरू कहां से करने हैं। जब मैं कह रहा हूं कि मैं स्क्रीन से 10 फुट दूर हूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्क्रीन। मैंने कहा मैं स्क्रीन से 10 फुट दूर हूं, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। स्क्रीन से गिनना शुरू करें तो मैं 10 फुट दूर हूं, या अगर मैं कहूं कि स्क्रीन मुझसे 10 फुट दूर है, तो फिर मैं स्टार्टिंग पॉइंट, मैं यहां से गिनूंगा, हाँ वाकई 10 फुट दूर है। तो जिस से है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो 100 है। ये जो 2023 की फिगर है, ये 230 है। अब इस 230 के बारे में कहा गया है कि 230 इससे 15 ज्यादा है, तो ये 100 है और ये 115 है। अगर मैं ये कहता ना कि 2023 की सेल 230 है, 2022 की सेल इससे 15% लोअर थी, तो फिर ये 100 होता और वो 85 होता। तो हायर देन, लोअर देन, मोर देन, लेस देन, इसमें देन के बाद जो है वो 100 है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वो है। वो जा रहा है जाओ से। जब हम किसी फिगर के कंपैरिजन में परसेंटेज के साथ हायर, लोअर, मोर, लेस, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, और उसमें साथ देन आता है, मोर देन, हायर देन, तो जिस से है, देखें ए इज हायर देन बी, तो बी से ए ज्यादा है ना, है ना, इंग्लिश बता रहा हूं। तो जिस से है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो 100 है। अगर ये सवाल में मैंने 2023 की सेल्स के बारे में कहा है कि ये सेल्स पिछले साल से 15% हायर हैं, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो 100 है, ये 115 है। और अगर मैं कहता कि 2022 की सेल्स करंट ईयर से 15% कम थी, तो फिर ये 100 होता और वो 85 होता। तो ये परसेंटेजेस में खेलना है। अभी जितना भी टूटा फूटा भी हजम हो गया तो ठीक है, हल्की आंच पे पकता रहेगा आस्ता आस्ता। पूरी कॉस्ट में बहुत ज्यादा होंगी ये इस्तेमाल, तो हो जाएगी बेहतरी। बस ये बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं। अब मैं आपको ऑफिशियली कॉस्ट पढ़ाना शुरू कर रहा हूं चैप्टर्स के हिसाब से। अच्छा, इसके बाद आपकी कौन सी क्लास होती है? FR 1। अच्छा, और मेरे अलावा और मतलब FR 1 के अलावा कितने बजे? हाँ, तो जुम्मे की ना तरतीब ऐसी हुआ करेगी कि चूंकि ये क्लास भी जुम्मे से पहले ये भी क्लैश बनता है, फिर अगली क्लास का भी बनेगा। तो अगर किसी का कोई बहुत शदीद किस्म का मजहबी इख्तलाफ ना हो, तो जब आप यहाँ गेट से बाहर निकलेंगे ना, राइट साइड पे आगे जाके ग्राउंड है एक, तो अंदर जाके, यानी आप राइट साइड पे जाएं, तो थोड़ा ही आगे जाके राइट साइड पे सड़क अंदर मुड़िए, तो वो मस्जिद का ग्राउंड है, और उसके साथ मस्जिद है, गुंग महल की मस्जिद है। तो वहां पर ना 1 बजे जमात खड़ी हो जाती है। तो मैं आपको तकरीबन ना जुम्मे को 12:40 पे छोड़ दिया करूंगा। और जो FR 1 है वो तो पहले भी तकरीबन 1:30 बजे जाते हैं, तो वो फिर 1:30 बजे तक, 1:30 बजे शुरू हुआ करेगी।
जी इन्वेंटरी वैल्यूएशन, मैंने अपनी बुक में इसको चैप्टर वन कहा हुआ है। मैंने ग्रुप में ना मंडे को शायद एक ग्रिड शेयर करवाया होगा और किताबें आपने खरीद ली होंगी, खरीद ली होनी चाहिए भी थी। अभी नहीं खोल रहे किताब, ऐसी मैंने जिक्र किया है। तो इसमें ना चैप्टर वन रखा हुआ मैंने इन्वेंटरी वैल्यूएशन, और जो आपका सिलेबस है उन्होंने तीन ग्रिड में बांटा हुआ है। उसमें जो सबसे हैवी ग्रिड है वो पहला वाला ग्रिड है और उसमें ये चैप्टर है जो पढ़ाने लगा इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इसको आप तकरीबन तकरीबन लाजमी सवाल समझ सकते हैं पेपर का। ये तकरीबन तकरीबन लाजमी है। अच्छा, इंट्रो में आपने ना ये पढ़ा हुआ है और पढ़ा हुआ फाइफो वेटेड एवरेज ये किए हुए हैं सवाल, तो मैं इसलिए इनके आपको कोई एक दो सवाल करा दूंगा बस। फाइफो वेटेड एवरेज, फाइफो के वेटेड एवरेज के बार बार सवालों पे टाइम नहीं लगा रहे होंगे, और बड़े काम करने वाले कराऊंगा, लेकिन एक दो सवाल बहुत है फाइफो वेटेड एवरेज के। पढ़ा हुआ है फाइफो वेटेड एवरेज। इन्वेंट्री क्या होती है? हाँ, ये सुनना था। स्टॉक और स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री और इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक। बिजनेस, बिजनेस की जिंदगी का मकसद है प्रॉफिट कमाना, और वो प्रॉफिट कमाने के लिए जो एक्टिविटीज कर रहे होंगे तो या तो वो सर्विसेज बेच रहे होंगे या गुड्स बेच रहे होंगे। अगर गुड्स बेच रहे होंगे तो या तो खरीद के बेच रहे होंगे या बनाकर बेच रहे होंगे, तो वो जो चीजें उनके पास मौजूद हैं वो इन्वेंट्री कहलाती है। तो इन्वेंट्री किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्टोर में पड़ी हुई चीजें हैं, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो इसकी इन्वेंट्री बस गुड्स हैं जो पड़ी हुई हैं। ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री गुड्स की शक्ल में, ये जो गुड्स पड़ी हुई है बस यही इन्वेंट्री है किसी भी वक्त। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की गुड्स तो इन्वेंट्री है ही है, और वो जो गुड्स हैं वो फिनिश गुड्स स्टोर में जाहिर रखी होंगी, तो ये जो फिनिश गुड्स स्टोर में पड़ी हुई है ये भी इन्वेंट्री है। इसी तरह जो रॉ मटेरियल का स्टोर है उसमें रॉ मटेरियल पड़ा होगा, तो वो जो रॉ मटेरियल वहां पड़ा हुआ है ये भी इन्वेंट्री है। बेशक गुड्स की शक्ल में नहीं है लेकिन इसी के लिए ही तो रॉ शक्ल में पड़ा हुआ है, ये भी इन्वेंट्री है। और ये इन्वेंट्री अगर फिजिकली काउंट करनी पड़ी तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे होंगे ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब गिनने जाएंगे तो कुछ रॉ मटेरियल की शक्ल में स्टोर में चीजें पड़ी हैं, कुछ फिनिश गुड्स की शक्ल में पड़ी हुई है, तो मशीनें उस वक्त खाली होंगी, रुकी हुई होंगी, नहीं प्रोडक्शन चल रही होगी। तो अगर प्रोडक्शन चल रही है तो कुछ ना कुछ तो मशीन के अंदर भी है। अच्छा, मशीन के अंदर वो डीजल डाला हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं, जो रॉ मटेरियल मशीन में डाला था, जो गोश्त के पीसेस मशीन में डल के फ्राई होके नगेट्स बन के मजे के मसाले वाले, वो प्रोडक्ट जब बनता है आगे, तो जो रॉ चिकन पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल, जो नगेट्स पैक होके बन चुके हुए हैं फिनिश गुड, तो जो मशीनों के अंदर अभी फ्राई हो रहा है वो वर्क इन प्रोसेस कहलाता है, वो भी इन्वेंट्री है। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर मौजूद है उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल भी, वर्क इन प्रोसेस भी और फिनिश गुड्स भी, ये सब इन्वेंट्री होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में बस जो फिनिश गुड्स पड़ी हैं बस वही इन्वेंट्री है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल भी पड़ा हुआ जो इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोसेस जो मशीनों के अंदर मौजूद है वो भी इन्वेंट्री है, और जो फिनिश गुड्स स्टोर में पड़ा है वो भी इन्वेंट्री है, और किसी भी एक वक्त में जाके जो कुछ वहां मौजूद है बस वो इन्वेंट्री है। ट्रेडिंग बिजनेस इस शक्ल में है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तीन शक्लों में। अच्छा, अगर किसी भी वैसी किसी एक वक्त में देखेंगे तो जो चीजें पड़ी हुई हैं वो इन्वेंट्री है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम बात करें कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री किसको कहेंगे? जो पीरियड एंड पे पड़ी हुई है, यानी पीरियड एंड आ रहे थे उस वक्त सारी ट्रांजेक्शन खत्म, अब बस अगला दिन शुरू होना था, तो उस वक्त जो स्टोर में मौजूद है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री
जो कि एंड ऑफ पीरियड है। और ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है? यही अगले ही लमहे ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री कोई अलग से कैलकुलेट होने वाली चीज नहीं है, एक पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्री ही अगले पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री और जो कि अगले पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो इसको फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी प्रेजेंट किया जाता है। जैसे इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या, कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग क्लोजिंग और एसओएफपी में क्लोजिंग। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की कोई अमाउंट चाहिए होगी क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखानी है, तो उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होती है इन्वेंट्री की अमाउंट एसओएफपी में, बल्कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग कह देता हूं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब है अमाउंट, इन्वेंट्री की अमाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आनी है। ये अमाउंट कितनी होनी चाहिए, इसके लिए जो रूल है वो रूल ये है कि इट इज द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और इसको प्यार से आइंदा एनआरवी कहा करेंगे। तो इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन्वेंट्री की वैल्यू होगी उसकी कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर। क्यों लोअर, हायर क्यों नहीं, इतनी साइंस लगाने की क्या जरूरत है, लोअर मैचिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, क्या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एसेट्स ओवरस्टेट नाउ। अच्छा चले ठीक है, ये अगली कुछ क्लासेस में समझा दूंगा लॉजिक इसकी। तो अच्छा मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाने, कोशिश मेरी पूरी होती है कि स्ट्रक्चर्ड पढ़ाऊं, और उसमें फिर बार बार चीजें रिपीट भी कर रहा हुआ करूंगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री होती है चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो चाहे फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, इसके पास किसी भी वक्त स्टोर में पड़ी हुई चीजें चाहे वो फाइनल शक्ल में है चाहे रॉ शक्ल में, वो इन्वेंट्री है। और अगर यही वक्त पीरियड एंड का हो तो वो इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्लोजिंग इन्वेंट्री को चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए कोई अमाउंट भी तो डिसाइड हो, तो उसको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। और इसके लिए रूल ये है कि उस क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर है उसको हम इसकी वैल्यू कहेंगे। क्यों, क्यों का रीजन बाकी क्लासेस में बस है ऐसे ही। एक छोटा सा आसान सा सवाल लिखें, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, 1500 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 37500, 37500, 37500, एनआरवी 23 रुपए पर यूनिट, रुपीज 23 पर यूनिट। टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बता दें, टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सही है। आपका जवाब दुरुस्त है, 1500 की एनआरवी कितनी, ये तो एक ही थी ना, तो टोटल हो गई 34 और कॉस्ट बताई है मैंने 37500। तो ये अच्छा, ये तो खैर एंगी बच्चों वाली बात थी, अब यहां से आगे चलते हैं। और अब से ऑनवर्ड मैं एनआरवी तो बाद में कॉस्ट पढ़ाने लगा हूं, कॉस्ट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलेगी। इस 34500 और 37500 में कोई परेशानी है, एतराज अच्छा आपसे ऑनवर्ड डिस्कशन ना, काफी ज्यादा डिस्कशन कॉस्ट पे चलेगी।
कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री करते हैं डिस्कस। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कहते हैं, अच्छा मैं ना अभी इंटेंशनली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लिख रहा, आदो के अभी शायद आपको इतनी गहरी रीजन ना समझ आए, लेकिन मेरा काम बताना है, मैंने अभी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लिखा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लिखा है बस मैंने, कि किसी भी वक्त हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं अगर हम इनकी कॉस्ट जानना चाहें तो वो कॉस्ट क्या है, ये करने लगा हूं बात। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का सादा सा कॉन्सेप्ट ये है, अच्छा कॉस्ट क्या होती है, है? कॉस्ट होता है खर्चा, कॉस्ट खर्चा है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर कोई सर्विस ले रहे हैं तो वो सर्विस हमें कितनी कॉस्ट की, क्या मुराद होगा इससे, कि हमारा खर्चा कितना हुआ, अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो कितनी कॉस्ट की ये चीज, मतलब कितना खर्चा हुआ है, अगर गाड़ी खरीदी है तो कितनी कॉस्ट हुई, जितना गाड़ी खरीदने पे खर्चा हुआ, पेट्रोल डलवाया है कितनी कॉस्ट पड़ी, जितना पेट्रोल पे खर्चा हुआ है, तो कॉस्ट का मतलब है हमें क्या खर्चा पड़ेगा। हाँ जब मैं कॉस्ट की टाइप्स बता रहा था तो मैं सिर्फ उन खर्चों की बात कर रहा था जो एक्सपेंसेस होते हैं, तब मेरी मुराद एक्सपेंसेस थी, वरना कॉस्ट मतलब खर्चा। तो इन्वेंट्री क्या है, फिर मेरे पास स्टॉक क्या है, इन्वेंट्री जो किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास चीजें पड़ी हुई है, चाहे वो फिनिश शक्ल में है चाहे रॉ शक्ल में है, वो इन्वेंट्री है जो हमारे पास मौजूद है प्रेजेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का बुनियादी असूल ये है कि इससे मुराद है ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। प्रिंसिपल ये है कि जो इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है जिस जगह है जिस हालत में है प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वहां तक लाने में ब्रिंगिंग, संभाले रखने में नहीं ब्रिंगिंग, लाने में जितना खर्चा इनकर हुआ वो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा है। ब्रिंगिंग कह रहा हूं, एक है कि चीजें लेके आके रख लिया, अब 15 दिन से चीजें हमारे पास पड़ी हैं, तो उन 15 दिनों में चीजों को संभाले रखने का खर्चा नहीं आएगा इन्वेंट्री की कॉस्ट में, बस लेके आके रखने का बस। तो इस इन्वेंट्री की कॉस्ट, जो इन्वेंट्री हमारे पास जहां जिस हालत में पड़ी है वहां तक लाने में जो खर्चे हुए थे वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा है। अब इसको हम थोड़ा सा और एलेबोरेट जरूर कर लेते हैं, और वो एलेबोरेट करने के लिए मैं इसको बांट देता हूं दो हिस्सों में। पहले हम बात कर लेते हैं, नहीं मतलब पहले बात नहीं, एक मैं हिस्सा बना लेता हूं फिनिश गुड्स ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, रॉ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक हिस्सा इसका बना लेता हूं, और एक हिस्सा बना लेता हूं फिनिश गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अच्छा बेशक ना इसी पेज पे कहीं इस नुक्कड़ में अपने अल्फाज में एक बात लिख लें कि इस चैप्टर में हम वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट नहीं पढ़ने लगे, वो भी तो इन्वेंट्री है ना वर्क इन प्रोसेस, लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं हम पढ़ने लगे, उसके लिए अलग चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, वो तब पढ़ेंगे। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट हम इस चैप्टर में नहीं कर रहे डिस्कस, उसको करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में डिस्कस, अलग चैप्टर है वो। वेरी गुड क्वेश्चन, बस थोड़ी देर तक। अच्छा मैंने ना इन दोनों को इकट्ठे रखा है क्योंकि इन दोनों की इन्वेंट्री में एक कॉमन बात यह है कि ये हम खरीद के लाए हैं, ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल, ये इन्वेंट्री जहां पड़ी हुई है इन दोनों में कॉमन बात यह है कि इनको खरीद के लाए और इनको बना के लाए, इसलिए मैंने ना इनको इकट्ठे कर दिया कि गाइडेंस इनकी सेम है। तो इनकी जो कॉस्ट होगी वो होगी मेनली कंप्राइजेज ऑफ कॉस्ट इनकर्ड फॉर परचेज एंड ब्रिंगिंग
द इन्वेंट्री टू स्टोर. इनमें जो कॉस्ट होगी मेनली वो खरीदने और खरीद के लाने की कॉस्ट होगी. मैंने लिखा है कॉस्ट मेनली कंप्राइजेस ऑफ कॉस्ट्स इनकर्ड फॉर परचेजिंग एंड ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू स्टोर. और इसमें जो कॉस्ट होगी वो होगी कंप्राइजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन एंड ऑल अदर प्रोडक्शन कॉस्ट. इसमें कॉस्ट यानी इन्वेंट्री को स्टोर में लाने तक खरीदने का खर्चा और लेके आने का खर्चा, लेके आने का खर्चा जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह. और इसको चूंकि हमने बनाया है तो इसकी कॉस्ट होगी मेनली के जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ प्लस बाकी सारे प्रोडक्शन के खर्चे. अब इन्हीं के आगे दे देता हूं उनकी मिसालें. यहीं से आगे चल रहा हूं. अच्छा वो बच्चों से पूछ लो नोटेड, क्योंकि कैमरा फिर इधर मूव करना है. हाँ जी नोटेड, कैमरा मूव करना है. ठीक है नोटेड. ठीक है नोटेड. ये इधर ट्रेडिंग और रॉ मटेरियल वाले में हूं मैं. वैसे तो ये बात काफी है कि स्टोर में लाने तक जितने खर्चे हैं, लेकिन अच्छा है खर्चों की मिसालें अगर याद कर ले तो फायदा ही होगा. तो मैं इसी के अंदर खर्चों में क्या क्या शामिल होता है कुछ आइटम्स की एग्जांपल्स दे देता हूं. एग्जांपल्स ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट. अच्छा इसके लिए मिसाल खुद ही बना लेते हैं. गुड्स इंपोर्ट कर लेते हैं. चले इंपोर्ट करके स्टोर तक लेके आते हैं. तो सबसे पहला खर्चा, अरे ड्यूटी तो बहुत बाद में है, पहले खरीद तो लें. अकेर खाली हाथ आएंगे क्या, खरीद तो लें पहले. तो परचेज कॉस्ट हो गई. और अगर कोई डिस्काउंट भी है क्वेश्चन में तो वो इसमें से लेस करना है. अच्छा डिस्काउंट चाहे वो ट्रेड है चाहे सेटलमेंट है, बस डिस्काउंट लेस कर दिया, लेस चीज खरीद ली. अब खरीद के पैक शैक भी करानी है, ले आए तो लाए कैसे, ट्रांसपोर्टेशन. इसको ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं, कैरिज भी कह सकते हैं, फ्रेट भी कह सकते हैं. कर लिया ट्रांसपोर्ट कर लिया. अगर तो इम्पोर्ट ठीक है, रास्ते में मसले भी हो सकते हैं तो इंश्योरेंस करा लेंगे रास्ते की. इसको कहते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस. फिर इसी तरह से मोस्टली इम्पोर्ट में बैंक्स की शर्त होती है तो लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाना पड़ता है. एलसी चार्जेस कर लेते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट चार्जेस. ये बैंक का डॉक्यूमेंट होता है. चले आगे पाकिस्तान आ गए तो जहाज सीधा फैक्ट्री में लैंड करेगा के? है नहीं तो पोर्ट पे लाना पड़ेगा. अब पोर्ट जो है वो सरकारी जगह है तो जब सरकार के हत्थे चढ़ेंगे तो वो तो हमसे फिर टैक्सेस ड्यूटीज भी रहेंगे. तो वो जो हमसे टैक्सेस ड्यूटीज रहेंगे उनमें से कुछ तो कल को वापस हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो भी इसी में ऐड होंगे. नॉन रिफंडेबल टैक्सेस या ड्यूटीज. और हो सकता है वहां पर कोई क्लियरेंस वगैरह भी करवानी पड़े, क्लियरिंग चार्जेस. चले अब स्टोर तक ले आते हैं, फिर से ट्रांसपोर्टेशन आ गई, फिर वो ट्रक में लोड करना, फिर आके अनलोड करना, हैंडलिंग कॉस्ट कर लेते हैं. चलो पहुंच गई चीजें स्टोर तक, पहुंच गई चीजें. मैंने लिखा हुआ है क्लियरिंग चार्जेस और उसके नीचे लिखा है हैंडलिंग चार्जेस. अच्छा इंस्टॉल भी कर लें फिर चीजों को, है ना, कर लें इंस्टॉल. बेचनी थी हमने तो इंस्टॉल कर लेते हैं खुद ही. इनको नहीं इंस्टॉल करते, वो तो प्रॉपर्टी प्लांट खरीदना तो उसको इंस्टॉल करना है. बस पहुंच गई स्टोर तक, हो गया बस फुल स्टॉप, पहुंच गई स्टोर तक. तो ये सारे खर्चे उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन रहे हैं. अच्छा इसमें ना रास्ते में कुछ खर्चे होंगे ऐसे जिनको कॉस्ट में हिस्सा नहीं बनाते या रास्ते के बाद भी हो सकते हैं. यहां जगह खत्म है इसलिए यहां लिख रहा हूं, वरना मैं ये इस राइट वाले कॉलम में नहीं लिख रहा, इसी से आगे चल रहा है. जी जी बताता हूं बताता हूं, ये इसी के नीचे चल रहा हूं. मैन्युफैक्चरिंग वाली जगह नहीं लिख रहा. इनको शामिल नहीं करना. अगर ये टैक्सेस और ड्यूटीज नॉन रिफंडेबल थे तो शामिल करना है, और अगर रिफंडेबल थे तो नहीं करना. रिफंडेबल एडजस्टेबल एक ही बात है. फिर उसके अलावा कुछ और ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो नहीं होने चाहिए थे, हमारी किसी नाहली की वजह से हो गए. कोई रास्ते में एक्सीडेंट कर दिया, उस पर चालान देना पड़ गया, पेनल्टी डल गई, वो खर्चा जरूर है लेकिन वो हमारी किसी नाहली की वजह से, उसको कहते हैं एब नॉर्मल कॉस्ट. वो नहीं करने इसमें शामिल, वो अलग से एक्सपेंस है.
आप उर्दू में पूछो, पहले समझ नहीं आ पाएगा। एक मिनट, ये वॉल्यूम थोड़ा कम कर लो, बल्कि थोड़ा सा फासले पे रख लो, पूछो दोबारा। ठीक है, वॉल्यूम की खैर है, बस थोड़ा फासले पे रख के पूछो। वॉल्यूम वापस बढ़ा दे यार। जी बेटे बोलो। आप अपनी कमाई के रास्ते निकाल लेना है, तो अगर कोई इस तरह के क्रिमिनल्स वगैरह को पैसे देने पड़ गए तो वो भी एबनॉर्मल है, वो भी इधर कॉस्ट में शामिल नहीं करना। अच्छा, चीजें पहुंच गई स्टोर तक, अब स्टोर में चीजें पहुंच चुकी हुई हैं और स्टोर का किराया, स्टोर के लोगों की सैलरी, वो भी ब्रिंगिंग के अंदर शामिल है खर्चे, तो उनको कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट, तो उनको नहीं करना शामिल, इनको कॉस्ट में ऐड नहीं करना। ये लेफ्ट वाला कॉलम पूरा किया मैंने। अच्छा, ये मैंने ना ये लेफ्ट वाला कॉलम ही पूरा किया है, अब राइट वाले कॉलम में बस तीन चीजें लिख रहा हूं। ये राइट वाला, इससे आगे चल रहा हूं, इधर से ये, इससे नीचे। वैसे तो फैक्ट्री के सारे खर्चे ही शामिल हैं, लेकिन चूंकि इनको मैं दो क्लासेस पहले तीन नामों में बांट चुका था, फैक्ट्री के सारे खर्चों को मैंने तीन नामों में बांट दिया था कि आइंदा बस ये तीन नाम है कि फैक्ट्री के सारे खर्चे ये तीन है, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH, तो यही सारे प्रोडक्शन के खर्चे हैं। तो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वाली की कॉस्ट में ये तीन चीजें शामिल हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से मुराद ये है कि कितने रुपए का मटेरियल इस्तेमाल हुआ, खरीदा नहीं, जो इस्तेमाल हुआ वो कितने रुपए वाला है, मटेरियल यूज्ड। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और तीसरी चीज FOH। FOH मैंने बताया था फैक्ट्री के सारे खर्चे सिवाय डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के, वो FOH होते हैं। तो इतनी लंबी लिस्ट लिखने की बजाय बस ये तीन चीजें कि अगर ये फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वाली हैं तो इस इन्वेंटरी की कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर बनेगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। और ये दो नाम याद रख लें, अगले चैप्टर्स में काम आएंगे। इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, डायरेक्ट लेबर और FOH को मिला के। और इन दोनों को मिला के प्राइम कॉस्ट कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को मिला के प्राइम कॉस्ट कहते हैं और डायरेक्ट लेबर और FOH को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। मेरी बुक में पेज 5 पे इलस्ट्रेशन 1, ये होमवर्क है, करके आइएगा। और जिन्होंने अभी तक किताब नहीं खरीदी, खरीद ले, मैंने इसमें से करानी है प्रैक्टिस। पेज 5 पे इलस्ट्रेशन 1 ये सॉल्व करके आइएगा। ठीक है जी, जुम्मा पड़े जाके, अल्लाह हाफिज़।